जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिवरादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी सच्ची घटना और आज हम आपको बताएंगे जब स्वयं महादेव को आना पड़ा अपने सच्चे भक्त के प्राणों की रक्षा करने। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने हमें यह सच्ची घटना भेजी है, जिनका नाम है अनिरुद्ध जी, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं। अनिरुद्ध जी के मुताबिक ये बात सन 2011 की है, जब वह अपने परिवार के साथ भगवान जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित मंदिर में जा रहे थे। और इसी दौरान कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उनके पूरे परिवार को काल के मुंह में पहुंचा दिया था। ये दिन उनके जीवन का सबसे दुखद दिन हो गया था, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी अपने पूरे जीवन काल में नहीं की थी। तभी एक आश्चर्यचकित घटना हुई जिसे देखकर हम सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान शिव के इस पवित्र मंदिर की दूरी यहाँ से करीबन 7 से 8 घंटे की थी, जिस कारण हमें मंदिर के दर्शन करने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगना था। इसीलिए मैंने अपनी कंपनी से 3 दिन की छुट्टी ले ली थी। मैं अगले ही दिन अपने परिवार के साथ भगवान शिव के इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल गया। पूरे रास्ते भगवान शिव का नाम जपते जपते हमारा पूरा रास्ता बहुत ही जल्द कट गया। हम मंदिर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि तभी हमारी गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से संतुलन खो बैठा, और इसी बीच हमारी गाड़ी सामने से आ रहे एक बहुत भारी भरकम ट्रक से टकराने ही वाली थी कि इससे पहले हम सभी मौत के दर पर पहुंच पाते हमने अपनी आंखें बंद कर ली। करीबन 5 मिनट से ज्यादा का समय हो गया, मगर हमें कोई हलचल नहीं सुनाई थी। जिसके बाद हमने अपनी आंखें खोली तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा जैसे कि कोई चमत्कार हुआ हो। इस चमत्कार को देखकर ट्रक का ड्राइवर भी हैरान हो गया। हाँ दोस्तों, वह ट्रक हमारी गाड़ी से करीबन 1 फीट की दूरी पर ही था, जिसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोकने कुछ क्षण की भी देरी करता तो हम सभी लोगों का मरना तय था। पहले तो हमें ये सब ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ का नतीजा लगा, मगर जब हमने उस ड्राइवर को पूछा तो उसने हमें जो सच्चाई बताई उसे सुनकर हम सभी के कान खड़े हो गए। ट्रक ड्राइवर ने हमें बताया कि उसे पता ही नहीं कि आखिर ट्रक कैसे रुक गया, मगर उसने ट्रक के सामने एक बहुत ही बुजुर्ग साधु को देखा था, जिसने उसके ट्रक को दोनों हाथों से पकड़कर रोका हुआ था। उसके बाद वह अदृश्य हो गया। उसके द्वारा बताई गई ये बात पहले तो हम सब ने नहीं मानी। जब हमने अपनी गाड़ी को देखा तो उस पर कोई खरोच भी नहीं थी। ये सब एक चमत्कार ही लग रहा था, जिसे देखकर हम सभी हैरान हो गए और समझ गए कि हम बाबा के दरबार पहुंचने वाले हैं, और ये बाबा का ही आशीर्वाद हो सकता है जिन्होंने मेरे पूरे परिवार के सदस्य को उस खरोच से बचाया है। भगवान शिव के मंदिर पहुंचकर हमने सबसे पहले महादेव का दिल से धन्यवाद दिया और मंदिर में स्थित पंडित जी से महादेव महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया। दोस्तों, मुझे, मेरे परिवार और ट्रक ड्राइवर सभी को ये भगवान शिव का चमत्कार लगा था, इसलिए हम सभी हैरान थे। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।